हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैंने न्यू वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी जो कथा चल रही है हमारे गुरुजी की, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं उनकी कथा अभी उज्जैन में चल रही है और काफ़ी लोग वहां पे पधारे हुए हैं। और सबसे पहले बात मैं कर लूँ कि रुद्राक्ष अभी वितरण हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे आए और कौन सा समय रहेगा जो रुद्राक्ष आपको मिल पाएगा और आपको आसानी से रुद्राक्ष मिल जाए, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो बने रहिए अंत तक। और सबसे पहले मैं बता दूँगी यार, अगर आप आते हो दर्शन करने तो सबसे पहले आपको दर्शन तो आसानी से हो जाएंगे कुबेश्वर धाम में, और आने जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो रही अभी, क्योंकि अभी आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही बिल्कुल भी। और आसानी से लोग दर्शन भी कर रहे हैं और लाभ भी पा रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं और जो पूजा पाठ का काम है वो भी कर रहे हैं, अपनी मनोकामना लेके सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं कुबेश्वर धाम में। और अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं जो जिनकी श्रद्धा है, जो पंडित जी को मानते हैं। कौन कौन पंडित जी को मानता है वो नीचे वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं आपको बता दूं कि यार जो रुद्राक्ष का वितरण है वो 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, और वो कब होगा वो मैं आपको जानकारी एक और वीडियो में दे दूंगा, जैसे ही स्टार्ट होगा उसकी वीडियो में बना दूंगा। तो जल्दी ही कार्यक्रम चालू होने वाला है, रुद्राक्ष वितरण समारोह फिर से स्टार्ट होने वाला है, और जो स्टार्ट होगा तो वो बहुत ही विशाल रूप में किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे गुरुजी अभी उज्जैन में कथा चल रही है, उनकी 5 से 6 7 दिन की कथा है, तो आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं और कथा श्रवण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर आप सीहोर आए थे कथा सुनने तो आपको कथा कैसी लगी थी, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ का कंकरी शंकर है, जो गुरुजी हमसे कहते हैं कि यहाँ का कंकरी शंकर है। तो सबसे पहले बता दूं कि लोगों ने काफ़ी दिक्कतों का सामना करा और कथा को श्रवण करा, और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोग अपने कपड़े वगैरह सब लोग टांग के बैठे हुए हैं। धूप बहुत ज़्यादा थी इस वजह से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई, पर कहते हैं ना कि ईश्वर जहाँ जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, तो भक्त के बिना भगवान कुछ भी नहीं। तो श्री शिवाय नमस्ते।